अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टुडे व्लॉग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। मैं लेके आई थी न्यू चॉपिंग बोर्ड, और ये मैंने फैमिली डॉलर शॉप जो है ना वंडाला में, वहाँ से बाय किया था। फर्स्ट टाइम मैंने जो है ना वो चॉपिंग बोर्ड जो है वो बाय किया। इससे पहले ना मैं बस हाथ से चॉप कर लेती होती थी सब्जियाँ, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा था, लेकिन जो लकड़ी पे चॉपिंग का मज़ा है ना वो प्लास्टिक पे नहीं है। इसके लिए नाइफ़ थोड़ा तेज़ होना ज़रूरी है, तो मेरे पास नाइफ़ जो आम हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही है, तो इससे बहुत मुझे ज़ोर से जो था ना वो प्रेस करना पड़ रहा था। अगर आपकी नाइफ़ अच्छी होती है तो ये बहुत स्पीड से चॉप होती है, और चॉपिंग का भी तरीका होता है, नहीं तो आप अगर आपको प्रॉपर चॉपिंग नहीं आती तो आपके हाथ उंगलियाँ कट सकती हैं। अच्छा लगता है छोटे छोटे से गैजेट्स जब मैं बाय करती हूँ, उनको ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ कुकिंग करते हुए, तो इंटरेस्ट जो है वो डिवेलप होता है। और ये एक अच्छी चीज़ है, जिन लोगों को कुकिंग करना नहीं अच्छा लगता, इस तरह के कामों से जो है ना वो इंटरेस्ट डिवेलप होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है कुकिंग करना, सारे दिन में से मेरा फेवरेट टाइम होता है वो जब मैं किचन में होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ। मैंने बनाया था फालसे का जूस, और ये गर्मियों की सौगात है, हर घर की जान है, हर बंदा इसको बहुत शौक़ से जो है ना वो पीता है। साथ साथ में अपना जो था ना वो फालसे का जूस जो था वो इंजॉय कर रही थी, और साथ में मैं इसके सब्ज़ियाँ वगैरह चॉप कर रही थी। उसके अलावा गैस जो था वो ख़त्म था, तो वो भी मेरा देवर जो है वो गैस पर वाके लाया, इसको मैं ना चूल्हे के साथ अटैच कर रही थी सिलेंडर को। ये काम भी काफ़ी एहतियात से करना पड़ता है, अगर ये लूज़ रह जाए तो गैस ज़ाया होता रहता है। ये देखिए कनेक्ट हो गया। बस मैंने बनानी है आज सब्ज़ी में बनानी है शिमला मिर्च, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सिंपल सी रेसिपी है, हर बंदा बना लेता है। अच्छा, ये मेरा जो नॉन स्टिक का है ना कढ़ाइयाँ जो हैं, ये मेरी जहेज़ की थी, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी हैं, इसकी जो इसके ऊपर कोटिंग हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है। 3.5 साल हो चुके हैं शादी को, तो तब से ये यूज़ ही हो रही हैं, तो माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं। अच्छा, इसके जो हैंडल है ना वो अब थोड़े से लूज़ हो गए हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसका नट जो है ना वो बहुत टाइट लूज़ हो गए हैं। मैं टाइट करती हूँ वो फिर से लूज़ हो जाते हैं, मतलब सही से मुझसे टाइट नहीं हो पाते, तो इनको थोड़ा सा ना सेट करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अच्छे चल रहे हैं ये ना। और सुहान जो है वो भी खेल रहा है, तो ये जो था ये टाइम था असर का, असर थे मतलब 4-5 बजे का टाइम था शाम में ना, तो मगरिब से पहले जो है ना हमारे यहाँ डिनर जो है वो तैयार हो जाता है। वो खाते सब अपनी अपनी मर्ज़ी से हैं, कोई 6 बजे 7 बजे खा रहा है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे खा रहा है, टाइमिंग किसी की नहीं है, और दस्तखान नहीं लगता, एक साथ नहीं खाते, तो बस ये है कि खाना बनाने का टाइम जो है वो फिक्स होता है। प्याज को मैंने हल्का सा जो था ना वो गोल्डन कर लिया, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही गोल्डन हो गया क्योंकि मैं लहसुन चॉप कर रही थी पास्ता खड़ी हुई ना, लहसुन को उसको मैंने डाला, लहसुन को डाला उसको थोड़ा सा जो था ना उसकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल जो होती है उसको ख़त्म किया ऑयल में। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, स्पाइसेस वगैरह डालेंगे, और उसको कवर करके जो है ना पानी डाल के थोड़ी देर के रख दूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, भून जाए, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में जो है अभी थोड़ा सा हालात का मुझे नहीं इतना अंदाज़ा कि क्या चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट जो था वो ब्लॉक था, वो बंद था, इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी। जस्ट मेरे मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं उनमें से एक जो है ना स्नैक वीडियो वो अच्छे से चल रही थी, हम लोग वीडियो वगैरह देख पा रहे थे, बाकी ना इंस्टा चल रहा था, ना फेसबुक अच्छे से चल रहा था, यूट्यूब तो ऑन ही नहीं हो रहा था सिरे से ना। हम लोग जो चैनल वाले हैं हमें अपना वाइट स्टूडियो चेक करना होता है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लाइक कमेंट व्हाटएवर, तो वो भी ऑन नहीं हो पा रहा था। काफ़ी जो था ना वो डिफ़िकल्ट टाइम था, हम लोग इतना सोशल मीडिया में मतलब अटैच हो गया सोशल मीडिया से कि हमारी लाइफ में ना इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। अभी कुछ दिन ये बंद रहा है तो इतनी अजीब सी कैफियत, टाइम नहीं पास हो रहा, क्या करें। तो अब जैसे मतलब वापस इस रूटीन में आए हैं, मतलब व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं, हम लोग को चैनल के लिए वीडियो शूट करनी होती है, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, तो अब टाइम नहीं मिल पा रहा होता, मतलब इतना टाइम ये चीज़ें ले जाती हैं कि इसके बगैर हम लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, बाकी अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं,
नॉर्मल जो हाउसवाइफ है अपने घर का सारा काम सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो टाइम जो था ना मसरत दिला, दिन जो है वो काफ़ी लंबे हो गए हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, तो टाइम जो था ना वो पास होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये वीडियोस जो थी ये ऑलरेडी मैंने उस टाइम पे जब नेट अवेलेबल नहीं था मैंने शूट करके अपने मोबाइल में रखी हुई थी, तो इस अभी मेरे जहन में अच्छे से जो है ना वो आ भी नहीं रहा कि इस टाइम की क्या सिचुएशन थी। मोस्टली मेरी कोशिश होती है इनके ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वट एवर के बिहाइंड सीन क्या चल रहा है लाइफ में। जहान का दूध आ गया था तो मैंने कहा चलो साथ साथ इसको भी है ना एक दफ़ा बॉईल करके रख लेती हूँ। काफ़ी इस टाइम पे किचन में जो है ना वो हीट अप हो जाता है, किचन खड़ा होना मुश्किल हो रहा होता है, गर्मियाँ आ गई हैं। सालन जो है ये अच्छे से देखें, इसमें मैंने पानी डाल दिया था और ये पक रहा है। अच्छा इस स्टेज पे आपने आलू चेक करना है इसको तोड़ के ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया, पक गया। अगर तो लगे ये कच्चा है तो फिर तो इसको इसी हल्की आंच पे दम पे ही रहने दें। अगर लगे कि ये सॉफ्ट हो चुका है लेकिन इसमें भी पानी है तो फ्लेम जो है वो आपने हाई कर लेनी है और इसको ओपन करके ढक्कन उतार के पकाना है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप पानी की क्वांटिटी बहुत कम डालें और जो सब्ज़ियाँ वगैरह पकाते हैं उनको ढाँप के पकाएँ ताकि उनके वाइटामिन्स जो है ना वो ज़ाया ना हो। ओपन करके जब हम पकाते हैं तो सब्ज़ियाँ सारी जो है ना उनके गज़ाइयत उनकी वाइटामिन्स मिनरल हर चीज़ हम लोग जो है ना वो उड़ा देते हैं हवाओं में। अच्छा शॉपिंग बोर्ड आ गया तो मज़ा बड़ा आ रहा है आजकल जो है ना कुकिंग वगैरह करने का, तो मैंने फिर जो ये हरा धनिया ना इसको भी चॉपिंग बोर्ड पे चॉप किया, काफ़ी अच्छे से हो गया और जल्दी से झटपट हो गया। हाथ से जब करते हैं ना तो ये जो हमारे थंब नेल्स हैं ये इन थंब जो है ना ये कट जाते हैं, हल्के हल्के इन पर कट लग जाते हैं। हम लोग जाते थे स्टिचिंग पे तो मेरी टीचर जो है ना वो हाउसवाइफ थी, तो वो हमले स्टिचिंग सेंटर की जो टीचर थी ना तो वो मुझे दिखा रही थी तो कहती ये देखो मेरी फिंगर पे एक भी कट नहीं है। मैं सारा कुछ करती हूँ लेकिन मैं बहुत एहतियात से करती हूँ काम, तो कहती औरतों के यहाँ पे कट लगे होते हैं बहुत बुरे लग रहे होते हैं, उन्हें पेन भी हो रही होती है, तो वाकई ऐसा ही है। उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ जो थी वो अदा की और जो फ्रिज में आटा रखा हुआ था उसके मैंने पेड़े बना के रख लिए और आटा मुझे कम लग रहा था, मैंने कहा चलो अभी बहुत ठंडा आटा है तो इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं, पेड़ों को रेस्ट दे देते हैं और साथ में जो है ना आटा और गूंद लेती हूँ कि एक दो रोटियाँ एक्स्ट्रा जो है ना वो भी बन जाएंगी। तो 7 से 8 रोटियाँ जो है ना वो शाम में बनती हैं, तो बस यही जो होती है ये रूटीन होती है हाउसवाइफ की। जहान जो होता है वो इस टाइम पे अपने दादों के पास होता है, बल्कि किसी के पास भी नहीं होता, कभी पापा के पास आ रहा होता है रूम में, कभी दादों के पास आ रहा होता है, घूम फिर रहा होता है। कोशिश होती है उसकी कि मुझे बाहर भेज दें, बाहर चला जाऊँ मैं। किचन इस टाइम पे इतना मैसी हो जाता है, इतना मैसी हो जाता है, मैं साथ साथ सिमटूँ भी ना तो जैसे ही मैं मतलब खाना वगैरह हम रूम में खा रहे होंगे मैं बाहर जाऊँगी ऐसे सारा पानी पिया ग्लास वहाँ बर्तन ऐसे बिखरे हुए होंगे, तो फिर मैं भी इस टाइम पे लेज़ी हो जाती हूँ कि चलो ठीक है समेटना ही है एक ही दफ़ा समेट लेंगे। नहीं तो मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ ही जो है ना किचन को समेटती जाऊँ, जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उनको साथ साथ वॉश करके रखती जाऊँ। मेरी अम्मी इस मामले में बड़ी सख्त हुआ करती थी, मैं कहती थी क्या तुमने इतना गंदी गंद फैला दी, साथ साथ इनको चीज़ों को समेट दिया करो जो यूज़ करती हो, तो वो डांट भी रही होती थी साथ साथ उठा के रख भी रही होती थी चीज़ें ना। तो उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन अब जब खुद पे जिम्मेदारियाँ आई हैं तो काफ़ी इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर बंदा साथ में काम कर लेता है एक तो मेस नहीं होता, दूसरा जहनी तौर पर बंदा फ्रेश रहता है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो थी ना वो थोड़ी सी सलाद भी बना ली थी, प्याज टमाटर और हरी मिर्च जो घर में चीज़ें थी अवेलेबल उनको ही मैंने कट करके जो थी ना सलाद बना ली। और प्याज जो था इसको मैंने कट करके इसको मैंने वॉश कर लिया था एज इट इज़, ही नमक नहीं लगाया था। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक जो था ना वो छिड़का था, इससे क्या होता है प्याज क्रंची भी रहता है और उसकी बहुत ज़्यादा जो कड़वापन है वो निकल जाता है वॉश करने से। अगर आप नमक लगा के वॉश करते हो ना तो फिर वो सॉफ्ट हो जाती है और क्रंची भी नहीं रहती। ये हमारी आलू और शिमला मिर्च जो है ना उसकी सब्ज़ी है, बड़ी मज़े की बनी थी, थोड़ी सी मैंने इसको तीखी रखा था यानी स्पाइस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, रायता दोपहर का ही रखा हुआ था और साथ में सादा रोटी थी। ये आज का जो था ना वो डिनर था। Thanks for watching. Allah Hafiz.